आर्किमिडीज के सिद्धांत में हमने देखा है कि जब किसी ठोस को द्रव में डुबाया जाता है तो ठोस के भार में कमी हो जाती है, द्रव की उपलब्धता के कारण, और ये कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जब भी आप किसी ठोस को, जैसे मान लीजिए ठोस है, इस ठोस को जब भी आप किसी द्रव के अंदर डुबाएंगे, मान लीजिए हाँ मैं इस द्रव के अंदर इसको डुबाऊंगा, तो इस ठोस के भार में कमी होगी, और कमी कितनी होगी, इस उत्प्लावकता के कारण क्या होगा, द्रव की उत्प्लावकता के कारण इसके भार में जो कमी होगी वो ये द्रव जो जितना ये ऊपर आएगा द्रव इसके बराबर होगी, मतलब ठोस के भार में कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। अगर मैं यहां से छेद करके पानी निकालूंगा तो वो हटाया गया द्रव होगा, मैं यहीं से इसको ऊपर नाप लूंगा, तो ठोस के भार में कमी बराबर हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी। हमें इसे देखना है कि हम जब ठोस को द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी हो जाती है, तो एक तो कमी देखेंगे हम, दूसरा हम ये देखेंगे कि वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम आज आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को प्रूव करेंगे। आइए हम देखते हैं। देखिए, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल लिया है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल, और इसमें आप देख लीजिए, हमने इस पे ये इसमें वेट टांग दिया है और ये 25 ग्राम शो कर रहा है वेट, ये वेट 25 ग्राम को शो कर रहा है, देख लीजिए आप 25 ग्राम को शो कर रहा है, ठीक है, और ये वेट यहाँ नीचे टंगा हुआ है। अब देखिए इस ग्लास को आप ध्यान से देखिए, इस ग्लास में हमने क्या किया है कि ये जो हमारा मेजरमेंट पॉट था इससे हमने हमारे इंजेक्शन की सहायता से, जिसमें 5 ml की एक सिरिंज है, तो यहाँ पे हमने ये 50 ml के बाद 10-10 ml पर यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसको इसके अंदर डीप करने जा रहा हूँ और हम ये देखेंगे कि इसके भार में कितनी कमी आई। देखिए इधर देखिए स्केल पर, ये 15 ग्राम हो गया, देखिए आप, और यहाँ नीचे देख लीजिए ये पानी जो है जस्ट आपका 10 ml, 10 ml बढ़ चुका है। हम जानते हैं पानी के लिए 1 ml बराबर 1 ग्राम, तो 10 ml का हुआ 10 ग्राम, तो देखिए हटाए गए द्रव का भार हो गया 10 ml और उधर जो है वो शो कर रहा है 15 ग्राम, ठीक है, तो ये 15 ग्राम शो कर रहा है, इधर 15 ग्राम शो कर रहा है, और इधर ये देखिए ये 10 ml, तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लेता हूं इसमें से, देखिए हो गया 25 ग्राम। तो इस तरह से हमने आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को प्रूव किया कि हमने क्या किया, हमने किया कि ठोस के भार में जो कमी हुई वो ठोस के भार में कमी हुई 10 ग्राम और हटाए गए द्रव का भार भी आया 10 ग्राम, पहले 25 ग्राम था फिर ये 15 ग्राम रह गया, तो ठोस के भार में कमी कितनी हुई 10 ग्राम और हटाए गए द्रव का भार भी आया 10 ग्राम। इस तरह से हम आसानी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।